गाइज ये देखिए अपनी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। ये गाइज यहीं से रास्ता स्टार्ट है ऑफिस का। योगा सर पतंजलि और दूसरे हैं सर महर्षि चरक के जो शिष्य है सुश्रुत, वो उनके शिष्य हैं, ठीक है। और तीसरे हैं सर ये महर्षि धन्वंतरी। ये तीनों लोग सर, तीनों ने मिलकर एक तरीके से आयुर्वेद को बनाया है। जड़ नींद इन लोगों ने रखी थी। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं गाइस बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल गाइस देखिए आज है 14 अगस्त और अभी गाइस मैं रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए। गाइस आज हम लोग ऑफिस में थीम है मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस का। तो गाइस मैंने पहना है कुर्ता ग्रीन कलर का, ये देखिए। गाइस कल रात को काफी देर तक मैं जगा था, मतलब 2 बजे तक, क्योंकि गाइस हम लोग को ऑफिस में असाइनमेंट मिला हुआ था बनाने के लिए। तो मुझे मिला हुआ था गाइस आयुर्वेद के ऊपर, तो मैंने गाइस कुछ आयुर्वेद का वो बनाया है असाइनमेंट, तो उसी में गाइस बहुत लेट हो गया था रात को। तो उसके बाद गाइस देखिए रात को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था और अभी ऑफिस जाकर सारा डेकोरेशन करना पड़ेगा। तो गाइस आपको ऑफिस में ही दिखाऊंगा कैसा मैंने अपना असाइनमेंट बनाया है। तो फिलहाल गाइज अभी रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताएं कि मेरा कुर्ता आप लोगों को कैसा लगा। तो मुझे ये कुर्ता ना बेसिकली बहुत अच्छा लगा था, मतलब ये मैंने गाइज मतलब बिग बाजार से लिया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। तो चलिए फिलहाल अभी गाइज भाभी जी पूजा कर रही हैं और अभी फटाफट से पहले सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलेंगे ऑफिस के लिए गाइज, क्योंकि 9:15 हो गए हैं मुझे और 9:20-9:25 तक मतलब ऑफिस निकलेंगे। आजकल जाम लगता है बहुत ज़्यादा, तो इस चक्कर में तो चलिए गाइज फटाफट से देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट बना है, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो गाइज अभी अपना सुबह का ब्रेकफास्ट निकल गया है और गाइज आज तो ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा मिल गया, तो अभी आपको दिखाते हैं गाइज। देखिए ये देखिए सबसे पहले आदि के हाथों का सुबह सुबह चाय मिल गया है और साथ में गाइज भिंडी की ग्रेवी वाली सब्जी और रोटी जो भाभी जी ने बनाया अभी। तो गाइज देखिए आदि यहाँ बनियान में बैठे हैं, अभी रेडी हो चुके थे। रीजन ये गाइज क्योंकि पिछले कुछ समय पहले अपना कुर्ता ये टाइट करवाए थे जानबूझ के, रितु दी से कर दीजिए फिट आट, वही टाइट फिटिंग वही है, इंग्लिश वर्ड फिटिंग है और ऐसे टाइट बोलते हैं क्या। तो अभी यहाँ देखिए अन्नू बैठ के उनका हाथ वो जो सिलवाए थे उसको छुड़ा रहे हैं कि हल्का हल्का टाइट हो गया है इनको अभी। तो चलिए कोई नहीं, मेरा कुर्ता तो अभी भी ठीक है, बढ़िया। 2-3 बारी पहन चुका हूँ मैं गाइस ये। तो चलिए फिलहाल अभी सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। गाइस ये देखिए अपनी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। ये गाइस यहीं से रास्ता स्टार्ट है ऑफिस का। तो ये देखिए अभी चलते हैं फटाफट से ऑफिस के अंदर और पूरा ऑफिस दिखाएंगे गाइस आपको। एक मस्त 15 अगस्त का सजावट किया हुआ देखिए। चलिए चलते हैं अंदर अभी। ये देखिए गाइस अभी डेकोरेशन चल ही रहा है, मस्त लग रहा है, सही लग रहा है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ इसके साथ नुकसान भी है। आने वाले समय में बहुत से नुकसान, बताओ नुकसान ये है सर, बहुत से एम्प्लॉयज की जॉब खा जाएगी आने वाले कुछ सालों में। AI में भारत क्या कर रहा है, भारत का क्या है AI में, भारत के टेक्नोलॉजी में इंडिया कैसे एडवांस हो गया, लोगों में फूड की डिपेंडेंसी क्या होती है, कहाँ पर क्या फसल है, कहाँ से क्या होता है, कि तुमने बर्गर दिखा दी, पिज्जा दिखा दी, जलेबी दिखा दी, ये तो तुमने मार्केट फूड बता दी, स्टेपल फूड का है। कैसे प्रॉब्लम है से लेके और एक एक जड़ी बूटी तक का सारा डिटेलिंग से बताया। तो सबसे पहले सर मैंने यहाँ पे 3 महर्षियों को अपने थीम पे रखा है। पहला है योगाचार्य पतंजलि और दूसरे हैं सर महर्षि चरक के जो शिष्य है सुश्रुत, वो उनके शिष्य थे, ठीक है। और तीसरे हैं सर ये महर्षि धन्वंतरी। ये तीनों लोग सर, तीनों ने मिलकर एक तरीके से आयुर्वेद को बनाया है। जड़ नींद इन लोगों ने रखी थी। बेसिकली सर धन्वंतरी वो उनको एक तरीके से डॉक्टर के पिता के रूप में जाना जाता है, वो सारा डिटेल उनको पता है और सारे जड़ी बूटी को उन्होंने ही बनाया। सर बेसिकली मैंने जो यहाँ बताया है
टोटल आयुर्वेद के आठ, मतलब आयुर्वेद के आठ प्रकार के बारे में बताया। पहला सर काय चिकित्सा, काय चिकित्सा के अंदर जो हमारे पेट के अंदर की जो बीमारी जितनी भी है उसके बारे में बताया गया काय चिकित्सा के अंदर। और सालाक के तंत्र, इसके अंदर सर हमारे गर्दन से ऊपर मतलब जैसे आँख नाक और कान में जो भी बीमारी है उसके बारे में बताया गया। शल्य तंत्र जैसा आपको पता है सर मानसिक चरक में ही इसको बनाया था शल्य चिकित्सा, इसमें हमारे शरीर की जो बीमारी बाहरी अंग की बीमारी सर्जरी करना जैसे किसी का मांस छोड़ना मांस पेशी छोड़ना ये उसमें बताया गया। अगर तंत्र सर इसका दूसरा नाम है विश्व विज्ञान, इसके अंदर सर जो जहर के बारे में या टॉक्सिक एसिड या जैसे वो भी आया था तो वैक्सीन वगैरह बनाई गई थी वो सारे अगर तंत्र के अंदर आते। दूसरा सर भूत विज्ञान, भूत विद्या, भूत विद्या के अंदर सर यह है कि इसमें ऐसी बीमारी का उल्लेख किया गया जो हमारे शरीर में होते हैं बस उसको डॉक्टर फाइंड नहीं कर पाते, तो ये आयुर्वेद के लिए सर भूत विद्या का प्रयोग हो गया। उसके बाद छठा है सर कुमार भूत्यम, कुमार भूत्यम के अंदर सर इसके अंदर शिशु जो छोटे शिशु होते हैं उनके बीमारियों के बारे में बताया गया। और सातवां रसायन तंत्र है जो हमारे शरीर के अणु और परमाणु के बारे में। और आठवां सर वजीकरण तंत्र, वजीकरण के अंदर सर हमारे प्रजनन और प्रजनन वगैरह के बारे में बताया गया। तो बेसिकली ये आयुर्वेद की आठ भागें जो मैंने इसमें लिखा है। तो कैसे रिलेट कर रहे हैं, इंडिया कहाँ है, क्या कर रहा है जी सर, अभी क्या योगदान इंडिया का आयुर्वेद में, प्रदेश में क्या स्थान है? आयुर्वेद एक ऐसा है सर जैसे भारत में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका उत्पत्ति भारत में हुआ था और इसके जो भी इसकी जो भी दवाएं हैं जितनी भी वो किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं करते। और बाहरी कंट्री में इंडिया का योगदान इसलिए है क्योंकि जो दवाइयां बाहर के लोग आज के समय में वो चाहते हैं कि ऐसा दवा हमें मिले जो किसी का सिर्फ फायदा हो साइड इफेक्ट ना हो, तो इंडिया अपने आयुर्वेद को बाहर के देशों में बहुत अच्छे तरीके से वो दिखा रहे हैं और उसको बहुत सारे यूजेस कर रहे हैं कि हमारा भारत देश के अंदर जो हमारा आयुर्वेद है वो बिना साइड इफेक्ट की दवा बनाते हैं। तो ये बेसिकली सर दवाओं के लिए आश्रित है आयुर्वेद। नहीं सर यहाँ पे मामला ये उन्होंने प्रॉमिस कर रखा है सर, शिवगामी ने ये गलत किया था ना कि अरे नामी ने भी तो जी को प्रॉमिस करा था कि भाई तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा और तुम्हें तो ये नहीं कहा, शिवगामी ने ये नहीं कहा कि हम आपको नहीं जा रहे, वो खुद चले गए कि आप जा रहे हैं हम नहीं जा रहे। तो रजत के बिना हम फैसला नहीं ले सकते कि किसके साथ शादी होगी नहीं होगी, इन्होंने फैसला कर लिया कि हमारे बेटे के साथ शादी हुई फलाल जी के साथ, ठीक है सर, और वो उनको पसंद नहीं करते। फलाल जी कैसी तोड़ देता है जी कौन है, अरे सर इनका बड़ा भाई है, इनका बड़ा भी है, चलो मत हम यार भाई और ये तुम्हारी फेवरेट पिक्चर है सर, और भी तो बता दीजिए। हां बताओ सर, इसमें ये भी है कि हमेशा हमें निर्णय जो लेना चाहिए सोच के लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि जैसे शिवामी देवी ने बाबा को निकाला था तो निर्णय गलत हुआ पतन हो गया था, बाद में रिलाई हुआ उन्होंने गलत किया तो उन्होंने फिर माफी मांगे, मतलब देवसेना के पैर छू के उनका जो उत्तराधिकारी बच्चा था कि ये आज से आपका ये भी एक आर्ट है जो डिफेंस होता है, डिफेंस आर्मी वगैरह हाउ टू वेज वॉर, ये भी एक आर्ट हो गया हमारा। एजुकेशन इज ऑल्सो एन आर्ट, और इंडियन आर्ट का अगर हम जैसे देखेंगे हम अगर नॉर्थ साइड से दिल्ली से राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान का जो पहनावा है वहाँ का खान पान डांस है सब कुछ बहुत अलग है, बट फिर भी जो चीज हम सबको यूनाइट करती है वो है हमारा आइडिया, आइडिया जो हमारा हुआ टेक। योगा जो है संस्कृत से दिया गया है जिसका नाम है यूज, इसका अर्थ होता है बांधना, किसी चीज़ को एकत्रित इकट्ठा करना, तो ये जो है संस्कृत वर्ड है यूज। ये सॉरी
बड़ा लाए थे आज तो गाइस चलिए आपको सबका दिखाते हैं प्रोजेक्ट। ये एचआर मैडम का था और गाइस ये सामने वाला मेरा है जो मैंने बनाया गाइस बहुत मेहनत से। तो मेरा आयुर्वेद पे था गाइस, तो पूरा ये थीम आयुर्वेद पे बनाया मैंने। और ये आगे सामने गाइस विनय का है और ये विनय को एजुकेशन तो मिला हुआ था, तो ये पूरा एजुकेशन। और ये सवित का है गाइस, सवित का पूरा ये आर्मी बेस्ड आर्मी के ऊपर था, इंडियन आर्मी के ऊपर। और ये है देखिए गाइस पूरा इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर है, हाइजेट सेंटर है के ऊपर पूरा। और ये सामने गाइस जो बाहुबली का अभी आपको दिख रहा था वो बाहुबली का ही है, मतलब बॉलीवुड के ऊपर। ये सारा योगा और ट्रेडिशन के ऊपर मिला हुआ था। इधर थोड़ा सजावट है गाइस, अभी पूरा ऑफिस आपको दिखाते हैं। देखिए मस्त बिल्कुल सजावट किया हुआ था, बैलून्स बिल्कुल, और बैलून्स और पतंग वगैरह सारा कुछ लगा हुआ था पूरे ऑफिस में गाइस। बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था। और गाइस मेरा तो अभी न्यू हूँ मैं इस कंपनी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए भी थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। और सब लोग गाइस देखिए निकल रहे हैं, छुट्टी हो चुकी है, बट गाना के लिए रुके हैं बस कि अनूप को गाना गाना। वह बना रहा हूँ वीडियो में अनूप। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी जा। मेरे दोस्तों को सलाम, मेरे गांव में है बहती है मेरी दिल रुआ, उसे जाके मेरे प्यार का जान दे। वाह क्या बात है, थैंक यू। बहुत बढ़िया गाइस, अभी निकल गए हैं ऑफिस से मैं और धीरज, ये मेरे साथ ऑफिस में ही काम करते हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर, और आज का विनर कौन हुआ ये आपको बताएंगे आगे। घर पहुंच के अभी नहीं, क्या धीरज अभी हमें लगेगा कम से कम 1.5 घंटा पहुंचने में, भाई को लगेगा 15 मिनट। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर पहुंचने के बाद।